नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एग्ज़ाम में। दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेलवे की पल पल की अपडेट जानने के लिए, और RRB JEE के DV मेडिकल सब सबकी अपडेट मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दूंगा, रिजल्ट की अपडेट हर एक चीज़ की। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सटीक क्लियर कट ऑफ की एनालाइज्ड कट ऑफ्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने DV के लिए। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा सटीक यहाँ पे एनालाइज्ड कट ऑफ्स हैं, जो कि इतने ज़्यादा सर्वे हुए हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स पढ़ के मैंने यहाँ पे कट ऑफ्स को रेडी किया है। इन कट ऑफ्स को आप लोग देख लीजिए, आई होप आप लोग इन कट ऑफ्स के बीच में आ रहे हो। अगर जो लोग नहीं आ रहे तो वो भी अपना होप तोड़िए मत कि आप लोग का कुछ हो नहीं सकता है। बहुत ही फ्रेंड्स अभी बहुत ही ब्रॉड वैकेंसीज आने वाली है और भी चीज़ों में, तो उस चीज़ की भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें अंत तक और जरूर देखें आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक, ठीक है। यहाँ पूरी एक्यूरेसी के साथ हम आपको कट ऑफ्स के यहाँ पे पूरा बताएंगे। जितने लोग के यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं आप लोग अपने मार्क्स को कमेंट करके जरूर बताएं, और इसमें फ्रेंड्स +2 -2 की जगह ज़्यादा तो नहीं, मैं कहूँगा ये अकॉर्डिंग टू आप लोग का यहाँ पे मैं रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ को एनालाइज्ड डिस्कस करूँगा, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के साथ आगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो RRB JEE की जो वैकेंसीज थी ये DMS CMA JEE IT जोन वाइज कट ऑफ इसकी यहाँ पे आई हैं। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ब्रांच वाइज तो नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं आपको जोन वाइज का ऑन एवरेज कट ऑफ बताऊँगा कि हर ब्रांच का आपको कितना एवरेज जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सारे जोन्स का डिस्कस करूँगा एक साथ, तो आप लोग यहाँ चेक कर लीजिएगा कि आपका किस जोन में है और कितनी आपकी कट ऑफ जा रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पोस्ट वाइज कितनी थी, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई थी, जो कि 60 से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं RRB सिकंदराबाद की, जहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज थी 789, जिसकी जनरल की कट ऑफ जो आपकी है 86 to 88 के बीच जाने के चांसेस है, और OBC आपके 82 to 85, SC 75 to 78, ST 68 to 72, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग के ये फ्रेंड्स रॉ मार्क्स है। अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप लोग सेफ स्कोर क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग का यहाँ पे चांसेस है बहुत ही ज़्यादा कि आप लोग यहाँ पे RRB JEE के DV के लिए आपको कॉल आए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देन हम बात करते हैं रांची की। रांची की यहाँ पे जनरल कट ऑफ आप लोग की 88 to 90 के बीच में जाने की चांसेस है, जहाँ पे OBC की कट ऑफ आप लोग की 82 to 85, SC की 76 to 78 और ST की 70 to 74 के बीच जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मालदा रीजन की, जहाँ की मालदा में ओवरऑल जो वैकेंसीज थी आपकी 248 वैकेंसीज थी, जो कि जनरल की जो कट ऑफ है आपकी 86 to 88 के बीच अराउंड जाने की चांसेस हैं, जहाँ पे OBC आपकी 82 to 85 के बीच, SC 76 to 78 और ST 70 to 73 के बीच में यहाँ पे जो कि चांसेस हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है आपकी इतनी अराउंड के बीच में जाएगी मालदा रीजन की, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। दोस्तों मैं आप लोग से और बोलना चाहूँगा, जितने लोग का भी मार्क्स जितना भी आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तभी हम आपके लिए एक फ्रेंड्स यहाँ पे और एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं कि कितने ऑन एवरेज कितनी है। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए अपने मार्क्स को, ओके। देन अब डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ मुंबई रीजन की। मुंबई में कितनी वैकेंसीज थी, ओवरऑल 1544 वैकेंसी थी, जहाँ पे जनरल की कट ऑफ है वो आप लोग की 90 से 92 के बीच जाने की चांसेस है, जहाँ OBC आपका 85 to 88, SC 78 to 80 और ST 72 to 75 के बीच में जाने की ज़्यादातर चांसेस हैं। ये आपके रॉ मार्क्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे हैं कि आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग फ्रेंड्स इसको कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुंबई जोन के लिए। आगे बढ़ते हैं, देन हम बात करते हैं RRB भुवनेश्वर की, जहाँ पे ओवरऑल वैकेंसीज थी आपके 248, जिसमें जनरल OBC SC ST की जो यहाँ पे वैकेंसीज की जो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, यहाँ 88 to 91 के बीच में आपकी भुवनेश्वर की जाने के चांसेस है जनरल में, OBC 84 to 86 के बीच में, SC की 78 to 83 और ST की 75 to 77 के बीच में जाने के चांसेस है, जो कि आप लोग का ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके कट ऑफ्स हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको देख सकते हैं, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इस मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भुवनेश्वर के बाद हम बात करते हैं बेंगलोर की, जहाँ पे ओवरऑल आप लोग की 708 वैकेंसीज थी, यहाँ पे 91 to 93 के बीच में जनरल कट ऑफ जाने के चांसेस से 87 to 89, OBC, SC 82 to 84, ST 78 to 80
एंड यहाँ पे ये दोस्त तो ये रॉ मार्क्स हैं आपके सेफ स्कोर में, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आधे लोग बस अपना, मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, आधे लोग क्या करते हैं कि वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं और बीच में जो बातें मैं बोल रहा था उस चीज़ को आप सब लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो लोग पूरी वीडियो भी देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग जोन्स में इतनी कट ऑफ इसलिए जा रही है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इतना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कमेंट में कमेंट करें क्योंकि इससे आप लोगों को खुद भी एनालाइज होगा कि आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, सब लोग जब वीडियो देखते हैं कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं कि किस टाइप के मार्क्स किस बच्चे के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिस्कस भी करते हैं कि मतलब इतने मार्क्स हमारे आ गए हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोग खुद भी एनालाइज करते हैं, खुद आप अपने मार्क्स बताते हैं, अपने मार्क्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, हम तो करते ही करते हैं, आप लोग अपना भी करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके मार्क्स कितने कितने आ रहे हैं सभी लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ आरआरबी अजमेर की, तो अजमेर में कितना कट ऑफ जा रहा है यहाँ पे जनरल की जो बात करें तो 98 to 102 के बीच में जाएगा, ओबीसी 94 to 96, एससी 89 to 93 और एसटी 82 to 87 के बीच में यहाँ पे जाएगा, जिसमें ओवरऑल वैकेंसीज 825 थी, तो इतना कट ऑफ जाने की चांसेस है। ठीक, देन हम बात करते हैं अहमदाबाद, आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे 399 ओवरऑल वैकेंसीज थी, जहाँ पे जनरल कट ऑफ है आपकी 100 से 102 के बीच में जाने के चांसेस हैं, 97 to 99 आपके ओबीसी कट ऑफ, एससी आपका 92 to 95, एसटी 88 to 91 के बीच में जाने के ज़्यादातर चांसेस है। ठीक, अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की, इलाहाबाद में ओवरऑल वैकेंसीज थी 1446, जहाँ पे जनरल कट ऑफ आपके 95 to 97 के बीच में जाने के चांसेस है ज़्यादातर, और ओबीसी आपके 92 to 93 के बीच, 84 to 89 एससी और 78 to 83 एसटी। दोस्तों, और मैं आपसे यहाँ बोलना चाहूँगा, आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं अपने मार्क्स को, इससे और ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन होगी कि कितनी कट ऑफ जाने की ज़्यादातर चांसेस है। ये फ्रेंड्स रॉ मार्क्स के बेसिस पे है, रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग के यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, रॉ मार्क्स हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग अपने आप को सेफ समझिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आरआरबी भोपाल के लिए, ओवरऑल यहाँ पे 383 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे जनरल कट ऑफ आप लोग की 100 to 104 के बीच में जा रही है, ओबीसी 94 to 98 के बीच में, एससी 89 to 93 और एसटी 85 to 87 के बीच में जा रहा है। कमेंट में अपना मार्क्स को और कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें आप लोग पार्ट लीजिए कि कमेंट में अपने मार्क्स को कमेंट जरूर कीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक, तो वो इससे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को और भी आइडिया मिलेगा कट ऑफ्स को लेके। ठीक, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के साथ, बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता में ओवरऑल वैकेंसीज थी 1519 वैकेंसीज थी, जहाँ पे जनरल कट ऑफ आपके 96 to 98 के बीच जाने की ज़्यादातर चांसेस है, ओबीसी 92 to 94, एससी 88 to 90 और एसटी 82 to 86। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मैंने सटी कट ऑफ बताया है, यहाँ पे आकर आपके इतने रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग की चांसेस है ज़्यादातर आपकी होने की। अगर आप लोग के जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर कम भी आ रहे हैं, तब भी आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं और कि हमें बताएं कि आपके मार्क्स इतने मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा आपके बहुत ही ज़्यादा सटीक मार्क्स आपको आने की चांसेस रहेंगी और आपको बताएंगे और एनालाइज कि क्या इतने मार्क्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। ठीक, ये मार्क्स जो भी मैंने बताए ये भी एक सर्वे के अकॉर्डिंग पे ही है, बेसिस पे है, सब बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कट ऑफ्स को एनालाइज करके इसको मैंने आपको बताया है। ओके, देन बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी की, तो 586 सीट्स की यहाँ पे वैकेंसीज थी, जो कि जनरल 89 to 90 के बीच, 82 to 88 ओबीसी, 78 to 81 एससी, एसटी 75 to 77 के बीच में जाने की चांसेस हैं। देन हम बात करते हैं चेन्नई की, 1183 वैकेंसीज थी, जहाँ पर 93 to 92 के बीच जनरल कट ऑफ, ओबीसी 87 to 85, एससी 80 to 84, एसटी 78 to 79। तो ओवरऑल यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाने की ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ पे। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीजन की, जहाँ पे ओवरऑल 460 वैकेंसीज थी, जो कि जनरल की आपकी जो कट ऑफ है 90 से 94 के बीच में जाएगी, 85 to 88 के बीच आपकी ओबीसी जाएगी, देन एससी की जो आपकी कट ऑफ है वो 81 to 83 के बीच में अराउंड जाएगी, एंड एसटी की जो आपकी 75 to 79 के बीच में जाएगी। ओके, तो ये कट ऑफ्स आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है और आप लोग के मार्क्स जो भी मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं बार बार आप लोग से बोल रहा हूँ वीडियो में, तो फ्रेंड्स इसको आगे चल के ज़रूर बताएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरआरबी गोरखपुर के कितने मार्क्स आ रहे हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी के, तो यहाँ ओवरऑल 645 वैकेंसीज थी, जो कि जनरल की कट ऑफ आपकी 85 to 89 के बीच, ओबीसी आपकी 80 to 84 के बीच में जाएगी कट ऑफ,
SC 75 टू 79 के बीच, ST 70 टू 73 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ आपकी जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल आपकी जनरल OBC SC ST की आपकी इतनी कट ऑफ के अराउंड जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सब रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है, आई होप आप लोग का इसमें मार्क्स आ रहे हों, ये आपके बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर मार्क्स को अकॉर्डिंग है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग RRB चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ की कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है दोस्तों, ये इसमें फ्रेंड्स ये मार्क्स में आप लोग यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस 5 इस जोन के लिए कर लीजिएगा। यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाती है चंडीगढ़ की, तो ये 106 से 108 के बीच में जाने के चांसेस हैं। OBC 100 टू 104 के बीच में, SC 97 टू 99, 94 टू 96 ST, तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस माइनस 5 आप लोग कर लीजिएगा इसके लिए। ओके, ये रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग के मार्क्स हैं। ओके, और फ्रेंड्स मैं आप सबसे बोलना चाहूँगा कमेंट में आप लोग अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने मार्क्स हैं, उससे आपके लिए भी फ़ायदा है और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा रहेगा यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, कितनी कट ऑफ जा सकती है। मुजफ्फरपुर की जो कट ऑफ है जनरल की 90 से 92 के बीच में जा सकती है मुजफ्फरपुर। OBC आपकी 85 टू 88 के बीच, SC आपकी 81 टू 83, ST 78 टू 79 के अराउंड यहाँ पे जाने की ज़्यादातर चांसेस हैं आप लोग की। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे सिलीगुड़ी की, कितनी कट ऑफ जा सकती है। सिलीगुड़ी की जो कट ऑफ है वो आपकी अगर जनरल में आप लोग के 87 टू 91 के बीच में बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है। 85 टू 86 OBC, 82 टू 84 SC, 78 टू 81 के बीच ST, अगर आपके मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग सेफ जोन में हैं। और आप लोग फ्रेंड्स इसके कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये सेफ स्कोर आपके लिए बनाया है, तो आप लोग कमेंट में अपने मार्क्स को जरूर कमेंट करें। ओके, अब हम बात करते हैं RRB सिकंदराबाद की। ठीक, जनरल कट ऑफ जो आपकी RRB सिकंदराबाद की 88 टू 94 के बीच जाने के चांसेस है। OBC 84 टू 86, SC 80 टू 83, ST 77 टू 79, ये भी आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग ये मार्क्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर की मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। और दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में अपने मार्क्स को कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, इससे आपके दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित रहेगा। ओके, देन आपके लिए हम बात करते हैं यहाँ RRB जोन पटना की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल कट ऑफ है आपकी 89 टू 93 के अराउंड जाएगी। OBC 83 टू 88, SC 79 टू 81 और ST 75 टू 78। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं RRB पटना में, तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ स्कोर में जा रहे हैं आप लोग। और फ्रेंड्स आप लोग अपने मार्क्स को कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ओके, ये मार्क्स रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग पे हैं और आपको आई होप आपको फ्रेंड्स इन मार्क्स के बेसिस पे आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पाएँ कि आपके कितने कट ऑफ जाने की चांसेस हैं और कितना सेफ स्कोर में है आप लोग, कितना डेंजर जोन में है आप लोग। ओके, अब एक मेन बात और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो आप लोग रिजल्ट को लेके चल दिए यहाँ पे बात, बहुत रिजल्ट के लिए ये चल रहा है कि कब तक आएगा, रिजल्ट घोषित होंगे और कितनी दिन में आने की ज़्यादातर चांसेस है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो रिजल्ट आप लोग के आने की चांसेस है बहुत ही यहाँ पे दिवाली के अराउंड आने की ज़्यादातर बातें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बेसिकली एक हफ्ते के अंदर आ जाता है। आप लोग का ऑब्जेक्शन लिंक आपका 12 तक एक्टिव था, उसके बाद एक हफ्ता मतलब 18-19 तक आप लोग का मुश्किल से रिजल्ट आ जाना था। लेकिन फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्शन लिंक थे, आंसर कीज थी, वो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग थी। कई सारे अभी भी रिवाइज आंसर की के बाद भी फ्रेंड्स उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, तो उसके बेसिस पे RRB में थोड़ी एनालिसिस चल रही है, उसकी बातें चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिजल्ट आने की चांसेस हैं ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स ये आप लोग को दिवाली टाइम तक निकालने की बात चल रही है RRB में। ओके, ये ज़्यादातर बातें हम लोग को नेट के थ्रू ही पता चलती हैं ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड्स नेट के थ्रू और कभी हमने कॉल कर लिया तो उनके अकॉर्डिंग आप उनके माध्यम से किसी के माध्यम से पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पे रेलवे की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को फ्रेंड्स अगर आपने आखिरी तक देखा है तो लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।